गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, यू नो टुडे इज़ योर कंप्यूटर क्लास, सो गेट रेडी फॉर योर क्लासेस. स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 9. चैप्टर 9 इज़ इंटरनेट. आज हम इंटरनेट पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आई होप टिल यू मस्ट हैव इंजॉयड. मैं आशा करती हूँ कि आप आनंद के साथ, मस्ती के साथ कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे. बट डू यू नो, पर क्या आप जानते हैं, दैट कंप्यूटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस आल्सो, कि हम कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं. यू कैन कम्युनिकेट, आप बात कर सकते हैं विद द होल वर्ल्ड, विद द होल वर्ल्ड थ्रू कंप्यूटर. आप कंप्यूटर के माध्यम से पूरे दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं. What do you know how? आप जानते हैं कैसे? It is through internet. यह कैसे संभव है? इंटरनेट के माध्यम से. So now in this chapter let's learn about internet. इसलिए इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे. I hope you will enjoy learning it. मैं आशा करती हूँ कि आप इसे पढ़ते हुए enjoy करेंगे. So students, इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड नेट. इंटरनेट को नेट भी कहते हैं. इट इज़ अ बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. यह कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है. डू यू नो, आप जानते हैं कि द कंप्यूटर नेटवर्क इज़, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? वी विल अंडरस्टैंड, हम समझेंगे इट बाई अ सिंपल एग्जाम्पल. हम इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे. We will continue. You know what the computer network is? क्या आप जानते हो कि computer network क्या है? We will understand. हम समझेंगे इसे by a simple example. हम इसे एक simple example से समझेंगे. Suppose, मान लीजिए you want to talk to your friends. आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं. Who lives far away? जो बहुत दूर रहता है. You just dial a phone call. आप उसे उसके नंबर को कॉल मतलब डायल करेंगे. When ring goes, जब rings जाएगी, he picks up, वो फ़ोन उठा लेगा. And you talk to him, और वो आपसे बात करने लगेगा. It means your phone has been connected. इसका मतलब है कि आपका फ़ोन कनेक्ट है with your phone, friend's phone, कि आपके फ्रेंड के फ़ोन से आपका फ़ोन कनेक्टेड है. सिमिलरली, साधारणतः when two और मोर कंप्यूटर्स, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रो सम मीडियम, लाइक किसी माध्यम से, जैसे टेलीफोन वायर. सच कनेक्शन इज आल्सो एज अ कंप्यूटर नेटवर्क. तो टेलीफोन वायर जो क्या है, एक तरह का कनेक्शन है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है. इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क. इंटरनेट बहुत ही बड़ा नेटवर्क है. इन विच मिलियन ऑफ कंप्यूटर, जो बहुत ही हजारों लाखों कंप्यूटर से जुड़ा होता है विथ ईच अदर. सम मीडियम लाइक टेलीफोन वायर और वायरलेस मीडिया, ये बहुत ही सारे टेलीफोन वायर और वायरलेस मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा होता है. आइए आगे पढ़ते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो? इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाई द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA इन 1969 में. ये एक एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है. ये क्या काम करती है कि जो हमारे सैनिक होते हैं उनके सेफ्टी के लिए, ये एक तरह का टेक्निकल एजेंसी है जो इसी पर काम करती है. ठीक है. फैक्ट टू नो, इंटरनेट वाज फर्स्ट नोन एज अपरानेट. इंटरनेट को सबसे पहले किस नाम से जाना गया? अपरानेट के माध्यम से. आइए कंटिन्यू करते हैं. यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के उपयोग. टुडे द इंटरनेट हैज़ बिकेम ए पावरफुल टूल. यह बहुत शक्तिशाली माध्यम हो गया है.
यूज बाई द मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत से लोगों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। सम ऑफ द मेन यूजर ऑफ इंटरनेट आर, आइए कुछ मुख्य उपयोग इसके पढ़ते हैं। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना। एनी शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी ऑफ द टॉपिक कैन बी सर्च थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी सूचना को जान सकते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द वैल्यूएबल टूल फॉर सर्चिंग, यह बहुत ही तेज और बहुत ही वैल्यूएबल टूल है सर्चिंग के लिए। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, मैसेज को भेजना और प्राप्त करना। एनी टाइप ऑफ मैसेज, किसी भी प्रकार का मैसेज, डॉक्यूमेंट्स और फाइल कैन बी सेंड एंड रिसीव एनीवेयर, हम कहीं भी भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। द होल बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स थ्रू इंटरनेट, ये इंटरनेट के माध्यम से ही संभव होता है कि हम ईमेल्स वगैरह पूरे संसार में कहीं भी भेज सकते हैं या कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। यू कैन कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स, आप ईमेल्स के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से एंड निपुणता से। अ वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम कीमत पर और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इससे कम्युनिकेट करते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं उनके विज्ञापन में भी ये इसका प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट कंपनीज, बहुत सारी कंपनियां एडवर्टाइज बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज मतलब क्या करती है, विज्ञापन करती हैं बाय हैविंग दियर वेबसाइट और ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से वो अपनी जो वेबसाइट होती है उसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करती हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। शॉपिंग टुडेज इट इज़ वेरी कॉमन इट इज़ वेरी ईजली टू शॉपिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, हम आजकल शॉपिंग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं किसके थ्रू, नेट के थ्रू। आइए पढ़ते हैं। द वेरी कॉमन एंड फ्रिक्वेंट यूज ऑफ इंटरनेट इज बाई सेलिंग एंड द वेरियस आइटम्स थ्रू इंटरनेट वाइल सेलिंग एट होम, जब हम घर से कुछ बेचते हैं या ख़रीदते हैं घर के लिए, तो क्या बहुत सारे जो विभिन्न तरह तरह के जो आइटम्स होते हैं उन्हें हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही आसानी से ख़रीदते या बेचते हैं। यू कैन परचेज आइटम्स, आप किसी भी तरह का सामान खरीद सकते हैं, सच एज बुक्स, फ्लास, म्यूज़िक, सीडीज़, पिज्ज़ा, स्टॉक एंड यूज्ड कार, आप किसी भी तरह के सामान परचेज कर सकते हैं, जैसे बुक हो गई, फूल हो गए, किताबें हो गई, म्यूज़िक हो गई, पिज्ज़ा हो गई, किसी प्रकार का सामान। ठीक है, तो आप बहुत सी चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हो नेट के थ्रू से। आइए आगे पढ़ते हैं। डाउनलोड म्यूज़िक, मूवीज़, गेम्स, नेट के थ्रू हम म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज़ कर सकते हैं, तरह के गेम कर सकते हैं। डिफरेंट मूवीज़, सॉन्ग्स, गेम्स कैन बी डाउनलोडेड ऑन योर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरनेट के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के आप क्या कर सकते हो, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो, सॉन्ग्स कर सकते हो, गेम्स कर सकते हो। ठीक है, तरह तरह की मूवीज़ वगैरह, गेम्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन इवन लिसन सॉन्ग्स, आप यहाँ से गाने भी सुन सकते हो। एंड प्ले गेम्स ऑनलाइन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे आप गाने भी सुन सकते हो ऑनलाइन और ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हो। चैट का मतलब क्या होता है, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इसे चैट भी कहते हैं। द चैट फीचर अलाउ यू टू एक्सचेंज द टाइप मैसेज विद अनदर पर्सन ऑन द इंटरनेट, जब हम चैट करते हैं एक दूसरे से तो हम जो उन्हें मैसेज सेंड करते हैं वो उनके यहाँ शो करता है, या वो जो हमारे यहाँ भेजते हैं वो हमारे यहाँ शो करता है। इसी के माध्यम से एक दूसरे से हम चैट कर पाते हैं। अ मैसेज यू सेंड विल, एक मैसेज जो आपको इंस्टेंटली अपीयर ऑन द अदर पर्सन कंप्यूटर,
एक मैसेज जिसे आप बहुत जल्दी सॉरी हाथों हाथ भेजते हैं वह दूसरे के पर्सनल कंप्यूटर पर दिखाई देता है। स्टे इन्फॉर्म्ड, सूचना देना या सूचित करना। द इंटरनेट गिव्स यू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किसी भी तरह का जो सूचना होता है वो इंटरनेट के माध्यम से आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है। दिस मेक्स द इंटरनेट अ वैल्यूएबल रिसोर्स, और यही इंटरनेट को क्या एक मूल्यवान शोध उपकरण बनाता है, ठीक है। मोस्ट प्रिंट सोर्सेज, बहुत सारे जो प्रिंट सोर्सेज हैं सच एज जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई, हैव वेबसाइट, इनका क्या खुद का वेबसाइट होता है, आल्सो अ नंबर ऑफ मैगजीन्स, फिर भी बहुत सारे मैगजीन्स ऑन एग्जिट्स ओनली ऑनलाइन, ये ऑनलाइन पे सॉरी ये नेट पर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन, हम पढ़ेंगे इसको रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ज़रूरी होती हैं, आइए पढ़ते हैं उसको। फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन, एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए यू रिक्वायर फॉलोइंग आइटम्स, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए देखते हैं क्या है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम, यू यूज़ एन इंटरनेट इफिशियंसली, आपको अपने काम को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए वन शुड हैव मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम विथ ऑल इट्स फीचर लाइक स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन etc. आप अपने काम को बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपको आपके पास एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, वो भी उसके सारे विशेषताओं के साथ, जैसे स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है। मॉडम क्या होता है, अ मॉडम इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज कनेक्शन कनेक्टिंग योर कंप्यूटर थ्रू टेलीफोन वायर्स टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मॉडम क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है टेलीफोन वायर्स के थ्रू, और जो कंप्यूटर्स के डाटा होते हैं वो एक दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। मॉडम इज एन एक्रोनिम फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमोड्यूलेटर, ये जो मॉडम है एक छोटा रूप है, छोटा नाम है मॉड्यूलेटर या डिमोड्यूलेटर का, आइए आगे पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडम, कि मॉडम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल मॉडम एक दूसरा इंटरनल मॉडम। इंटरनल मॉडम कहाँ होता है, फिक्स इनसाइड इन CPU, इसे CPU के अंदर क्या करते हैं, फिक्स किया रहता है, ये इसके अंदर होता है। एक्सटर्नल मेमोरी सॉरी मॉडम प्लेस आउट साइड द CPU, यह CPU के बाहर लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, और टेलीफोन वायर, अ टेलीफोन वायर क्या है, अ टेलीफोन कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए अनिवार्य होता है, किसका यूज़ मतलब क्या अनिवार्य होता है, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन के थ्रू ही हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, योर कंप्यूटर मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज़ प्रोवाइड बाय द डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ही क्या करता है, डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है एट मंथली चार्ज, वो भी महीने के चार्ज पर। सम ऑफ IPS इन इंडिया सॉरी ISP इन इंडिया आर MTNL, VSNL, BSNL, Airtel, Data, ये Reliance, ये सब क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं मंथली चार्जेस पे, ठीक है। वेब ब्राउज़र, अब वेब ब्राउज़र पढ़ते हैं। इट इज़ एन एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वी नीड फॉर इंटरनेट, जिसकी जरूरत हमें इंटरनेट की पड़ती है। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट वेब ब्राउजर, आई ये अलग अलग तरह के क्या है उदाहरण है, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेशन, सॉरी नेविगेटर ईटीसी। ये क्या है, एक तरह से वेब ब्राउजर है। इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपने जो हमें चाहिए इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ढूंढते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, ये इन टर्म्स से जुड़ा होता है। देर आर सम टेक्निकल टर्म्स यूज इन इंटरनेट सच एज, आइए कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनका यूज हम इंटरनेट में करते हैं, जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब। www इज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है दैट कंटेंस डिफरेंट इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे तरह तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, पिक्चर के फॉर्म में होते हैं, साउंड्स के फॉर्म में होते हैं एंड वीडियोस के फॉर्म में होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट कनेक्शन, यह बहुत बड़ा कनेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो कि कहाँ अवेलेबल होता है, इंटरनेट पे होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज अ स्पेशल प्रोग्राम, यह एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है दैट इज यूज टू ओपन डिफरेंट वेबसाइट, जिस पर तरह तरह के वेबसाइट्स क्या करते हैं खोले जाते हैं। टू गेट कनेक्शन विथ इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर, ये इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है। अ वेब ब्राउजर मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर ज़रूर स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी इंस्टॉल होना चाहिए। देर आर डिफरेंट वेब ब्राउजर, यहाँ पे ढेर सारे वेब ब्राउजर होते हैं लाइक मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल क्रोम। ये सारे क्या है, एक तरह से सर्च इंजन है जिस पे हम इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए इसे तो उस पर सर्च करते हैं और हमें वो मिल जाते हैं। आइए वेब पेज के बारे में पढ़ते हैं। अ सिंगल पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड पेज विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज अ वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, एक पेज ऑन द जो www ये वर्ल्ड वाइड वेब पेज होता है विद द डिफरेंट इंफॉर्मेशन, अलग अलग सूचनाओं के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। ठीक है, आइए और पढ़ते हैं आगे। वेबसाइट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, ढेर सारे वेब पेज का समूह, लिंक टू ईच अदर इन ए वेबसाइट, वेबसाइट के थ्रू ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एनी बॉडी कैन, कोई भी कैन क्रिएट इट्स ओन वेबसाइट ऑन द नेट इंटरनेट, वो इंटरनेट पर अपना खुद का वेबसाइट क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। मोस्टली द वेबसाइट्स आर, अधिकतर वेबसाइट्स जो होती है ऑर्गेनाइज बाई द डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनियों के थ्री संगठन के थ्रू, स्कूल के थ्रू एंड कॉलेज के थ्रू क्या करनी चाहिए, अपनी अपनी वेबसाइट बनाई जाती हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स रेगुलेट लोकेटर इज़ एन एड्रेस ऑफ अ पार्टिकुलर वेब पेज, या एक तरह ये एक अकेला ऐसा ये वेब पेज है। टू ओपन एनी वेब पेज, किसी भी वेब पेज को खोलने के लिए इट्स URL मस्ट बी गिवेन, इसके URL को क्या देना पड़ता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस, इसे हम वेब एड्रेस भी कह सकते हैं। होम पेज, इट इज़ द लास्ट, सो होम पेज द फर्स्ट पेज दैट अपीयर, जो सबसे पहला पेज खुल के दिखता है। वेन एवर यू, जब भी आप एक वेब ब्राउजर खोलते हैं या साइट खोलते हैं तो जो उसका फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे ही हम होम पेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आवर लेसन इज, लेसन 9 इंटरनेट इज कम्प्लीटेड। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली, इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, हैव अ गुड डे।